मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम सियासी मुद्दों पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। इन दोनों प्रदेश में गैस सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। दरअसल सीएम शिवराज ने लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है और इस वादे के तहत बीते गुरुवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खाते में गैस की राशि डाल दी जाएगी, शेष महिलाओं से आवेदन लेकर या फॉर्म भरवा कर लाभ दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर रसोई गैस सिलेंडर के नाम पर बहनों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भादों के महीने में सावन के नाम पर अपनी लाडली बहनों को अप्रैल फूल बना दिया है। सीएम चौहान ने उज्ज्वला योजना की महिलाओं को लाभ देने की शर्त लगाकर अपनी बहनों को ठग लिया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 450 रुपए का सावन में बहनों के लिए सिलेंडर, गैस सिलेंडर का कहा था, आज कैबिनेट के द्वारा उसे मंजूरी दी गई है। इसमें उज्ज्वला के जो कनेक्शन हैं उनमें तत्काल राशि डाल दी जाएगी और जो शेष बचे हुए हैं उनके भी आवेदन या फार्म भराने के बाद तत्काल उनके अंदर भी वो राशि डाल दी जाएगी। ये राशि 4/7/23 से 31/8/23 की अवधि में प्राप्त की गई रिफिल 450 में रही। फिलहाल गैस कनेक्शन ही नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार यूं ही जारी रहेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उज्ज्वला गैस योजना के तकरीबन 40 लाख गैस कनेक्शन हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है। जिस भी महिला ने 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 के बीच में गैस सिलेंडर लिया है उसके आधार लिंक बैंक खाते में प्रति रिफिल लगभग 500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।